Assalamualaikum dear viewers, hope you are doing well. I am Shoaib Madayo, again here with another informative and interesting video related to the food and the entertainment content. Dear viewers, you can see I am in front of the Al Kafil restaurant logo. मैं आज Al Kafil restaurant पे आया हूँ, so सोचा कि यहाँ पर आके मैं इसकी beauty को explore करना चाहता हूँ. तो नाम बड़ा सुना था Al Kafil restaurant का, तो आया हूँ जामशोरों में. तो ये जो Al Kafil रेस्टोरेंट है, नाउ दिस रेस्टोरेंट इज सिचुएटेड ऑन द मेन जामशोरो बाईपास, 7 और जामशोरो बाईपास के दरमियान ये रेस्टोरेंट जो है वो सिचुएटेड है. अगर आप जामशोरो JPCL थर्मल पावर स्टेशन की तरफ से आएंगे तो आप Al Kafil रेस्टोरेंट को लोकेट कर सकते हैं. सो डियर व्यूअर्स, जामशोरो की ठंडी हवाएं हैं और मैं यहाँ पर मौजूद हूँ. जामशोरो नवन दिल के झोरे नवन, दिल के झोरे नवन जामशोरो नवन. तो अज आऊं जामशोरे में ही आया और दिल के झोरे भी बीठो आया. सो डियर व्यूअर्स, विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स एक्सप्लोर द ब्यूटी ऑफ द Al Kafil रेस्टोरेंट एंड आल्सो एक्सप्लोर द डिफरेंट फूड आइटम्स व्हिच आर अवेलेबल इन द Al Kafil रेस्टोरेंट. सो नाउ डियर व्यूअर्स, यू कैन सी दिस इज द एंट्रेंस पॉइंट ऑफ द Al Kafil रेस्टोरेंट. आप जैसे ही अपनी गाड़ी पार्क करेंगे तो सीधा आप इस पॉइंट से एंटर होंगे इन द Al Kafil रेस्टोरेंट. सो यू कैन सी दिस इज द होल फैमिली सिटिंग एरिया ऑफ द Al Kafil रेस्टोरेंट. सो बड़ा खूबसूरत इन्होंने जो है फैमिली एरिया बनाया हुआ है. अच्छा, सबसे बड़ी जो खसूसियत है इस Al Kafil रेस्टोरेंट की वो ये है कि इन्होंने जो भी कंस्ट्रक्शन की हुई है वो सारी लकड़ी मेड है, ठीक है, वुड मेड है. सो नाउ यू कैन सी इन्होंने जो फैमिली सिटिंग एरिया बनाया हुआ है वो स्विंग्स के हिसाब से है, तो आप झूले की तरह झूल भी सकते हैं, आप खाना भी खा सकते हैं और जो है वो उनकी ब्यूटी को भी इंजॉय कर सकते हैं. सो नाउ डियर व्यूअर्स, इन्होंने एक और भी फैमिली रूम जो है वो आगे एस्टेब्लिश किया हुआ है, वो आउटसाइड था और ये इनसाइड है. सो नाउ डियर व्यूअर्स, यू कैन सी दिस इज द जेंट सिटिंग एरिया ऑफ द Al Kafil रेस्टोरेंट. सो नाउ यहाँ पर जो है ये जेंट्स के बैठने की जो है ये एरिया है, ठीक है. सो नाउ डियर व्यूअर्स, यू कैन सी मैं Al Kafil रेस्टोरेंट के ऊपर खड़ा हुआ हूँ मेल सिटिंग एरिया की तरफ, और यहाँ से बड़ा खूबसूरत व्यू है. ये जामशोरो और 7 बाईपास है. सो नाउ डियर व्यूअर्स, यू कैन सी Al Kafil रेस्टोरेंट वालों ने ऊपर भी जो है मेल सिटिंग एरिया बनाया हुआ है, तो चलते हैं ऊपर भी देखते हैं. सो दिस इज ऑल्सो द मेल सिटिंग एरिया ऑफ द Al Kafil रेस्टोरेंट. सो नाउ डियर व्यूअर्स, यू कैन सी दिस इज द मेन्यू ऑफ द Al Kafil रेस्टोरेंट. ओके, तो आप देख सकते हैं कि इनके पास डिफरेंट फूड आइटम्स अवेलेबल हैं. हंडीज हैं, बारबेक्यू है, इंडियन फूड्स है, डील्स अवेलेबल हैं, कढ़ाई है, स्टार्टर, कॉन्टिनेंटल रोल्स.
So dear viewers, you can see this is the whole kitchen area of the Al Kafil restaurant. So dear viewers, you can see order aa chuka hai sir. Sir, what's your good name, sir? Acha, Shamir sahab jo hai hamara order leke aaye hain. So dear viewers, the manager of the Al Kafil restaurant is with us. Ma'am, how are you? I'm fine. Ma'am, what's your name? My name is Parisa Gopang. So ma'am, मेरा question आपसे ये है कि आप Al Kafil restaurant में जो event वगैरह अगर हमारे viewers plan करना चाहें तो उसके बारे में आप हमारी audience को थोड़ा सा kindly brief कर दें। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम परीसा है। मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पे जितने भी इवेंट्स होते हैं, बर्थडे पार्टीज या एंगेजमेंट पार्टीज, जितने भी इवेंट्स सब मैं ही देखती हूँ, मेरे अंडर है। मेरे पास तकरीबन 18 से 20 स्टाफ है, जिसमें बॉयज है फर्स्ट, मैं गर्ल हूँ, मैं मैनेजर हूँ यहाँ पे। सारे रेस्टोरेंट को मैं चला रही हूँ और बर्थडे पार्टीज जितने भी होते हैं सारी मेरे ही अंडर होती है, मैं ही उनको करती हूँ। और हमारे पास फूड से या स्टाफ है जो भी, ओवरऑल सब मैं ही देखती हूँ यहाँ पे जो बनता है फूड में। आप कभी भी हमारे रेस्टोरेंट पे विज़िट करना चाहे तो अल्हम्दुलिल्लाह बारबेक्यू है, उसमें डिनर करना चाहे, कढ़ाई वगैरह है, हांडीज़ है, बिरयानीज़ है, मंदीज़ है राइस में, उसके बाद फास्ट फूड है, चाय है, जैसे कि टी लवर आजकल तो लोग चाय को बहुत ही पसंद करते हैं। हाँ, वैसे मैं एक बात कहूँ, अभी मैंने खाना खाया है आपके रेस्टोरेंट पे, फूड वॉज वेरी डिलीशियस। चाय तो अब जब भी मैं जामशोर आता हूँ तो हमेशा चाय Al Kafil रेस्टोरेंट की पीता हूँ। हाँ सर, यही मैं आपको बताऊंगी कि जैसे कि हमारी चाय है ना यहाँ पे, माशाल्लाह चाय हमारी बहुत फेमस है यहाँ पे, लतीफाबाद, कासमाबाद, हैदराबाद, खास तौर पे यहाँ पे चाय के ही कस्टमर हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी चाय, आप जब भी आना चाहे ना, चाय हो गई, डिनर हो गया, तो मोस्ट वेलकम हमारे पास आ जाए। थैंक यू वेरी मच मैम। सो डियर व्यूअर्स, द ओनर ऑफ द Al Kafil रेस्टोरेंट इज विद अस। सर, आई एम वेलकम यू इन माई यूट्यूब चैनल। सर, सर व्हाट्स योर गुड नेम? सर, अनीस रहमान भट्टी। सर भट्टी साहब, आप अपने Al Kafil रेस्टोरेंट के बारे में हमारे व्यूअर्स को थोड़ा सा ब्रीफ करें कि आपके माइंड में Al Kafil नाम जो है ये कहाँ से आया? असल में सऊदी अरब से ये Al Kafil की बहुत सारे बिजनेस चल रहे हैं Al Kafil के नाम से, और अरबिक नाम है, और अल्हम्दुलिल्लाह सुम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के 99 नेम्स जो हैं उनमें से Al Kafil नाम भी है। तो ये शुरू से ही मुझे पसंद था माशाल्लाह, तो इसीलिए हमने इसका नाम Al Kafil रखा। सो भट्टी साहब, मेरा एक और क्वेश्चन भी है कि जो Al Kafil रेस्टोरेंट आपने जो जामशोरों में बनाया हुआ, बड़ा खूबसूरत और प्यारा रेस्टोरेंट है, दिली तौर पर मुझे बड़ा अच्छा लगा, तो फ्यूचर प्लानिंग जो है रिगार्डिंग Al Kafil रेस्टोरेंट, वो आपके माइंड में क्या है? देखिए सर, अल्हम्दुलिल्लाह जो हमें फीडबैक मिला है कस्टमर्स से या फ्रेंड्स वगैरह से, जितने भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ लोकल यहाँ के जो भी हैं उनसे, तो इंशाल्लाह फ्यूचर में कोशिश यही होगी कि सिंध भर में इसकी और भी ब्रांचेस खोली जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन फीडबैक हमें मिला है, एक अच्छा, ये एक फैमिली रेस्टोरेंट है, यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह जो भी फैमिलीज आती है बाहर से या अपना लोकल, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल फैमिली सेटिस्फाई और खुश होकर जाती हैं। सर, मेरी तरफ से आपको एक सजेशन है कि जैसे जामशोरों में आपका ये Al Kafil जो मेन है, तो आप हैदराबाद सिटी में जो है इसकी एक और ब्रांच ओपन कर लें इन फ्यूचर, तो नियरेस्ट भी है हमारे यहाँ। जी बिल्कुल, हैदराबाद तो सिंध की जान है, इंशाल्लाह हमारी कोशिश यही है और हम लगे हुए हैं, क्योंकि इसको भी थोड़ा सा टाइम हुआ है, एक साल तक हुआ है, तो हम इंशाल्लाह अगले साल तक एक दो ब्रांचेस और खोलने का इरादा रखते हैं इंशाल्लाह, एक तो कराची में एक हैदराबाद में, ये हमारी बिल्कुल जो है तमन्ना भी है और हमारी जो है एक उम्मीद भी है इंशाल्लाह।
sir, really thankful for your nice comments, sir. Thank you. So dear viewers, this was the vlog related to the entertainment and the food content, in which we have explored the beauty of the Al Kafil restaurant. So I hope that you have enjoyed the today's video. So at the last, do subscribe my YouTube channel Shoaib Ahmed Dayo for more informative videos, for more interesting videos related to the electrical engineering, entertainment and the food areas. Thank you.